दूरदर्शन किसान पर। हमारा मुल्क हिंदुस्तान न सिर्फ वसी और रीज मुल्क है, जहां बहुत से तारीखी, सकाफती, मजहबी व तमद्दुनी एतबार से अहम और दिलचस्प मकाम पाए जाते हैं। ये मकामात शुमाल, जनूब, मगरिब व मशरिक में फैले हुए हैं। गरज कि मुल्क के हर हिस्से में हमें किसी न किसी एतबार से अहम मकामात देखने को मिलते हैं। इनमें ऐसे भी लातदाद मकामात हैं जिन्होंने हमारी जंग आजादी में एक अहम रोल भी अदा किया है। इन्हीं तवारीखी मकामात में से है एक हिंदुस्तान का दिल समझे जाने वाले उत्तर प्रदेश का एक मशहूर मारूफ शहर कानपुर। जी हाँ दोस्तों, सफरनामे की आज की निशस्त में हम आपको इसी कानपुर शहर की सैर पे ले आए। कानपुर मुल्क की राजधानी दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर वाका है और ये हवाई जहाज के रास्ते से मुल्क के लगभग तमाम अहम मकामात से जुड़ा हुआ है। हवाई रास्ते के अलावा कानपुर शहर रेल और सड़क रास्ते से भी बाकी मुल्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। कानपुर आज एक रवां दवां शहर के रूप में नजर आता है और इसको यूपी उत्तर प्रदेश रियासत की सनती राजधानी भी कहा जाता है। क्योंकि यहां बेशुमार सनतें कार फरमा नजर आती हैं, जिनमें कपड़े और चमड़े की रिवायती सनतें भी शामिल हैं। कानपुर का एक दिलचस्प तारीखी पस मंजर भी है। कदीम हवालों के मुताबिक, जिनमें शोर आफाक तसनीफ रामायण भी शामिल है, कानपुर के मकामात में वाका बिठोर नाम की जगह पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, जहां पर उसने हिंदू मजहब की अहम मजहबी दस्तावेज रामायण रकम की थी। तहकीकदानों की राय है, सीता मैया को जब रामचंद्र जी ने अपने घर से निकाला था, उन्होंने इसी जगह बठोर में वाल्मीकि जी के आश्रम में पना ली थी और उनके दोनों बच्चे लव और कुश का जन्म भी इसी जगह हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ये आश्रम है और इस प्रांगण में बहुत विशालतम और पुरानी पौराणिक मूर्तियां हैं, जिसमें सीता रसोई है, लौकुश जन्म स्थान है,
सीता जी का जो अबू जो बालक थे वो लव और कुश यहीं पले पुशे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। यहाँ बड़ा पौराणिक और ऐतिहासिक ये मंदिर है, जो बहुत समय प्राचीन से ये निरंतर इसमें पूजन अर्चन हो रहा है। पौराणिकता यहाँ झलकती है। ककई ईंटों का यहाँ निर्माण हुआ था। इसमें पुरातत्व विभाग के कर्मचारी भी नियुक्त हैं और विकास की जो सीढ़ी है वो कानपुर विकास प्राधिकरण ने यहाँ पर फव्वारे का निर्माण कराया था। लव और कुश की स्थापना मंदिर दिखाए थे। हनुमान जी को लव और कुश ने बांध दिया था। सीता जी यहीं पर सामने गंगा जी का स्नान करने जाती थी। कई चीज़ों से पौराणिक है। यहाँ पे गणेश जी का मंदिर है, हरिधाम आश्रम है, लवकुश आश्रम है, जो बिठूर की पौराणिकता है उसको कई हज़ार वर्षों से निरंतर लोग इस मंदिरों को देखते चले आ रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा का यहाँ विशाल मेला लगता है और हर मंदिरों में समय समय पर पूजन अर्चन भंडारा प्रसाद सभी जनमानस को मिलता है। गंगा और जमुना दरियाओं के बीच वाका कानपुर अरसे दराज तक कनौज की ताकतवर रियासत का हिस्सा रहा और इस पर हर्षवर्धन, मेहरबोज और दूसरे ताकतवर हुक्मरानों ने बादशाहत की थी। दर हकीकत कानपुर का जिक्र हमें कदीम हवालों में सिर्फ बठौर और जुजवा नाम से मिलता है, लेकिन सन 579 में पहली बार हमें कानपुर का नाम मौजूदा शक्ल में ही मिलता है। दरअसल गंगा और यमुना के दुआब में स्थित कानपुर की मूल उत्पत्ति मुगल शासन काल में बिठूर और जाजमऊ दो प्राचीन गांव थे। इन्हीं के बीच में कान्हापुर ग्राम की स्थापना 1773 में राजा हिंदू सिंह चंदेल ने की, जो कि सचेंडी के राजा थे। जन्माष्टमी का दिन था, राजन गंगा नहाने जा रहे थे तो एक जगह हरा भरा खेत देखकर उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने अपने पुरोहित से पूछा, पुरोहित जी आज क्या गांव की नींव डाली जा सकती है? तो उन्होंने कहा, आज राजन आज जिस गाँव की भी नींव डाल दोगे वो एक दिन पूरे विश्व में अपना नाम रोशन करेगा। फलस्वरूप राजा हिंदू सिंह चंदेल ने तत्काल वहीं पर यज्ञ किया और यज्ञ कर कान्हापुर ग्राम की स्थापना की और शहर बना के दो फाटक बनवाए जो 1857 की गदर तक मौजूद रहे, जिनके अवशेष अभी भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने लिए एक रहने के लिए सुंदर महल बनवाया और हम लोग तब से कानपुर को कानपुर मानने लगे। कानपुर कोई कानपुर नहीं था, मुगल काल में अकबर के शासन काल में ये एक छोटा सा 12 मजरों का एक इलाका था जिसमें घाटमपुर और नहा वगैरह कस्बे थे, 24 कस्बे थे, जिसमें से कान्हापुर ग्राम भी था। इसकी मालगुजारी ली जाती थी तो राजस्व अभिलेखों में कानपुर के कान्हापुर का जो नाम दर्ज है वो अकबर के शासनकाल से दर्ज है। इसके पहले कोई भी प्रमाण हमारे इतिहास में उपलब्ध नहीं। चूंकि अंग्रेजों के ख्याल में कानपुर अवध से कदरे मखसूस था, इसलिए उन्होंने अपना सारा कारोबार कानपुर मुंतकल कर दिया। जबकि बाद में कानपुर सनत और हिरफत का एक बड़ा और खास मरकज बन गया, एक उभरता हुआ सन्नती शहर। हिंदुस्तान की जंग के मायानाज सपूतों ने कानपुर को अपनी तहरीक का मरकज बना दिया। अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और दूसरे कई अहम जांबाज शामिल थे। आज कानपुर सन्नती लिहाज से उत्तर प्रदेश का सन्नती दारुल खिलाफा बन चुका है। वहीं कानपुर सन्नती लिहाज से हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा शहर बन चुका है, जहां सन्नती इनकलाब ने कानपुर को एक अहम शहर बना लिया है।
वहीं ये इक्तिसादी तौर पर भी खुशहाल बन चुका है और यहाँ जिंदगी पूरी तेजी से रवा दवा नजर आती है। कानपुर की जो सन्नत रिवायती तौर पर सैकड़ों बरसों से इस शहर की पहचान बन चुकी है वो है चमड़ा साजी की सन्नत। दरअसल इस सन्नत की अमली दाग बेल अंग्रेजों ने सन 1860 में डाली जब यहाँ फिरंगियों ने हैरिसन और सोडल फैक्ट्री कायम की और इस तरह कानपुर हिंदुस्तान में चमड़ा साजी की सन्नत का एक अहम मरकज बन गया। आज कानपुर में चमड़े की सन्नत एक अहम शोबे की सन्नत है और यहाँ चमड़े से हजारों किस्म के सामान और चीजें बनाई जाती हैं। इस तरह ये सन्नत हजारों लोगों को रोजगार फराहम कर रही है। कपड़ा साजी की ये सन्नत और खासकर सूती कपड़े बनाने की सन्नत आज कानपुर की शान बनी हुई है जहां आज भी बुनकर रिवायती अंदाज से हथकरघों पर कपड़ा बुनते हैं वहीं आज के जदीद दौर के तकाजों के तहत बेहद मुफीद खुदकार मशीनों से कपड़ा बनाने का अमल बड़े बड़े कारखानों में तेजी से जारी है। जहाँ तक आपने ये कहा कि बहुत ये पुराना उद्योग है आज़ादी के पहले का, ये बिल्कुल सत्य है। गंगा के किनारे परिवहन की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी होने के की वजह से अंग्रेज़ों ने यहाँ पर टेक्सटाइल मिलों का जो है वो दौर शुरू किया। तो उस समय पुराने ज़माने में आपको भी मालूम है कि ये मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ हम लोग वक्त के साथ चेते नहीं, हम लोगों ने वक्त के साथ मशीनरी को अपग्रेड नहीं किया और परिस्थितियों को समझा नहीं और उसी का शिकार होते होते ये सारी मिलें आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे सारी मिलें कानपुर की बंद हो गई। लेकिन एक जो सबसे बड़ा अहम रोल जो अदा किया इन मिलों के वर्कर्स ने, क्योंकि एक अगर देखा जाए तो दूसरी पीढ़ी आ गई है वर्कर्स की, तो कानपुर में टेक्सटाइल के लिए कपड़ा उद्योग के लिए वर्कर्स उसके जीन्स में शामिल है ये कहना चाहिए। तो फिर ये छोटे छोटे उद्योगों के रूप में ये बीड़ा जो उठाया इन वर्कर्स ने छोटे छोटे यूनिट से चालू हुए। रिवायती सन्नतों के अलावा कानपुर आज जदीद सन्नतों का गहवारा भी बना हुआ है। कानपुर में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा हेवी इंजीनियरिंग, एरोस्पेस और दूसरे इंजीनियरिंग के जदीद आलात बनाने की बहुत सी इंडस्ट्री भी शामिल है। कानपुर में हम लोग देखिए इस संबंध में न सिर्फ टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं बल्कि हमने वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी फैक्ट्री लगाई है, जिसमें कि हम भारत में प्रथम बार हमने आर्मर्ड व्हीकल्स बनाई है और जो माइंड ब्लास्ट प्रोटेक्टेड भी है। ये गाड़ियां हमने बना करके नेपाल आर्मी को भी दी है, यूनाइटेड नेशंस को दी है, भोपाल गवर्नमेंट को दी है, गुजरात में भी हमने गाड़ियां सप्लाई की हैं और यूपी गवर्नमेंट में भी गाड़ी सप्लाई की हैं। इसी दिशा में हम लोग अपने
क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करते हुए विभिन्न पुलिस डिपार्टमेंट्स को बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी सप्लाई की हैं। इस दिशा में वस्त्र के अलावा हम लोगों ने एक नई टेक्निकल टेक्सटाइल की यूनिट भी लगाई है, जिसमें हम प्रथम बार भारतवर्ष में न्यूक्लियर बायोकेमिकल फैब्रिक्स बनाने जा रहे हैं, जो कि एक विशेष कपड़ा होता है जो कि केमिकल वार के समय में हमारे जवान पहनते हैं, जिससे कि केमिकल युद्ध के समय उस उनके शरीर पे उसका कोई असर नहीं होता है। हम लोगों ने इसी प्रकार से -40 to 50 degrees पे काम आने वाले कपड़ों का भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है और उसका निर्माण कर रहे हैं, जिसके सैंपल्स भारत सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में ट्रायल के लिए चल रहे हैं। कानपुर की सनती तरक्की ने यहाँ की इक्तिसादी और शौरी तरक्की को भी मुमकिन बना दिया है। कानपुर में तालीम याफ्ता लोगों की शरह 85% के लगभग है, जो दूसरे इलाकों की नस्बत बेहद अच्छी है। यहाँ कदम कदम पर तालीम और तरबियत के बेशुमार इदारे कार फरमा हैं, जिनमें प्राइमरी सतह से लेकर यूनिवर्सिटी की सतह तक तालीम हासिल करने की सहूलियात शामिल हैं। कानपुर में सबसे पहले डीएवी कॉलेज में 1948 के आसपास ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर आया। धीरे धीरे इसमें लोगों की रुचि बढ़ी, लोगों को रोज़गार के नए नए अवसर इसमें तलाशने के मौके मिले। धीरे धीरे ये सब्जेक्ट दूसरे कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ। उसके बाद जब कानपुर यूनिवर्सिटी बनी तो ये यूनिवर्सिटी पहले एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी थी। लगभग 15 साल का डेवलपमेंट है यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में क्लासेस जो चलने के, तो आज की डेट में लगभग 54 डिपार्टमेंट है यहाँ पे, और उसमें ये डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी में 2005 में शुरू किया गया। उस समय 2-year course यहाँ पे चलाया जाता था मास्टर डिग्री का। 2010 के सेशन से यहाँ पे बीएफए शुरू किया गया, 4 years डिग्री कोर्स, जो कि ये इस यूनिवर्सिटी का जो कार्यक्षेत्र है 14 जिलों में विस्तारित है, और बीएफए डिग्री जो थी वो और कहीं पे इस यूनिवर्सिटी के उस सर्कल में कहीं पे थी नहीं। तो एक ये नया इस विश्वविद्यालय का अचीवमेंट है कि एक ये नया सब्जेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। मुल्क के बावकार इदारे आईआईटी की एक बेहद मकबूल शाख आईआईटी कानपुर भी यहीं पर कायम की गई है। ग्यारह के आदादोशुमार के मुताबिक कानपुर शहर की आबादी 27,61,000 के करीब है, और रोजगार के वसीले के तौर पर खास सनती शहर होने की वजह से इसमें लगातार बतदरीज इजाफा दर्ज किया जा रहा है। अरे
गायकी और बजाने के एतबार से कानपुर आसपास के इलाका जात की तरह ही शुमाली हिंद की क्लासिकी मौसिकी से मुतासिर रहा है। हालांकि यहाँ के मौसिकारों ने कानपुर घराने के तहत आलम मौसिकी में अपना एक मखसूस मकाम बनाया है। लेकिन राग और बंदिशें वही हैं जो हिंद की क्लासिकी मौसिकी में बरताई जाती हैं। यहाँ पर शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत, लोक संगीत में गायन, वादन, नृत्य की प्रतिदिन कक्षाएं चलती हैं 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक, जिसमें विभिन्न स्कूलों के बच्चे यहाँ पर संगीत की शिक्षा प्राप्त करते हैं। अच्छे अच्छे गुरुओं से यहाँ पर शिक्षाएं बच्चों को प्रदान की जाती हैं और समय समय पर हम लोग कार्यशालाएँ लगाते हैं, जिसमें बाहर के कई कलाकार आकर के बच्चों को अपनी संगीत की सेवाएं प्रदान करते हैं। और हर माह हम लोग माह के अंतिम मंगलवार को एक संगीत संगोष्ठी करते हैं, जिसमें हमारे कानपुर के वरिष्ठ कलाकारों का हम लोग गायन, वादन, नृत्य प्रस्तुत कराते हैं, जिससे हमारे बच्चों को यहाँ पर संगीत सीखने का अवसर प्राप्त हो और वो लोग अच्छे से अच्छा सुन सकें और अच्छे से अच्छा सीख सकें। यही हम लोगों की बच्चों से और सभी से अपेक्षा रहती है। रक्स और दूसरे फनून लतीफा पर यहाँ भी अवध का असर रसूख देखने को मिलता है और कथक यहाँ की रिवायती क्लासिकी रक्स में अहम और मरकजी मकाम रखता है। क्लासिकी अमूर के अलावा कानपुर अपनी मकामी रिवायती फने मौसिकी को भी संजोए रखे हुए हैं और आज भी यहाँ उर्दू गज़लों, हिंदी गीतों के शाना बशाना रिवायती अवधी गीत भी बड़े चाव के साथ सुने और गाए बजाए जाते हैं, जिनमें खुशी, गम, मोहब्बत और तेज त्योहारों और देवमालाई कहानियों को बयां किया जाता है। सफरनामे की आज की किस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगले किस्त में आपसे मिलेंगे नवाबों के शहर लखनऊ में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।